जनरल में आपको कुछ ऐसे नमूने भी देखने मिलते हैं कि बैठ के अंकल जी यहीं पे अपना सिगरेट फूकने लगे, सिगरेट तो नहीं बीड़ी फूक रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं भाई साहब राजधानी में खड़े होके, कमाल कर रहे यार करेंगे। ये चीज तो काटना मत, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर काटना होता तो हम दिखाते ही नहीं, आप चैनल सब्सक्राइब करो बिल्कुल आएगा ये चीज। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। आज की हमारी जर्नी हो रही है ग्वालियर से एपी एक्सप्रेस में 20806, ये गाड़ी चल के आती है निज़ामुद्दीन से, हज़रत निज़ामुद्दीन से जाती है विशाखापट्टनम तक। इस गाड़ी में मैंने अपनी फुल जर्नी तो आपको दिखाया हूँ, लेकिन फ़िलहाल में हमको जाना है ग्वालियर से केवल और केवल भोपाल तक, और जर्नी हमारी होने वाली है जनरल क्लास में, क्योंकि स्लीपर का टिकट अवेलेबल था नहीं, थर्ड एसी का अवेलेबल था नहीं, करंट में देखा अवेलेबल था नहीं, इतनी ज़्यादा अर्जेंसी में उसको क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी अभी मैंने एक जर्नी कवर करके आया हूँ वंदे भारत, जो कि हमारी एमपी की पहली वंदे भारत थी, आप देख चुके होंगे चैनल पे जाके, नहीं देखें तो आप जाके देखिएगा चैनल पे। तो उस गाड़ी को मैंने यहीं पे डीबोर्ड कर दिया, वो गाड़ी जा रही है हालांकि न्यू दिल्ली तक, या फिर हाँ न्यू दिल्ली तक जाएगी, लेकिन मैं यहीं उतर गया क्योंकि मुझको अब घर जाना है, तो यहाँ से अपना घर पास पड़ेगा। तो गाड़ी अभी ऑन टाइम है, आगरा से अभी अभी निकली है, लगभग यहाँ पे ग्वालियर में टाइम है 23:35 या 40 मिनट के आसपास। तो थोड़ा बहुत देखिए हम जो जर्नी किए हैं, आप उस जर्नी में दिखाया हूँ गाड़ी में हमको खाने के लिए मिलता है, ये डेयरी मिल्क मिला हुआ है, ये भी अपने को भी पियेंगे, उसके बाद कुछ नट्स भी हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ये भी मिला था अपने को खाने के लिए वंदे भारत में। प्रीमियम गाड़ी है भाई वो, आज मतलब इनॉग्रल मैंने उस पर कवर किया हूँ, और जो भी चीज़ खाने को पीने को जो भी चीज़ मिली है पूरा कुछ फ्री था, हालांकि मैं डिनर नहीं कर पाया, वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो जो चीज़ मैं नहीं खा पाया था, कचौड़ी मिली थी और क्या नाम था उसका, बालूशाही मिला था और पेटिस मिला था, कई सारी चीज़ें मिली थी, तो वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देखिएगा पता चलेगा। बाकी ये मैंने रख लिया था क्योंकि पेट ही भर गया था तो हम खाए नहीं थे, अच्छा हुआ इसको खाए नहीं थे, अभी खा लेंगे क्योंकि अब रात में अब कौन क्या खाली थाली वाली खाए कुछ मज़ा नहीं आएगा। स्टेशन के बाहर सोचा था खाने के लिए, लेकिन स्टेशन के बाहर अभी इतनी रात को होटल सारे बंद हो गए भाई, 10 से ज़्यादा बज रहे हैं टाइम, उसको कितना बज रहा 22:52, पता नहीं आपको इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं वहाँ पे हो रहा है, तो उसी लिए अभी यही सब खाते हैं उसके बाद हम गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ से बहुत सारी स्किप्स देखने मिले यार मुझको, अब से जो स्किप मिलेगा आपको दिखाऊँ, स्किप ने हाँ अब से जो स्किप मिलेगा दिखाऊँगा, क्यों नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो ही अब चालू कर रहा हूँ, तो पहले क्या दिखाता आप। देखिए कोई सी तो गाड़ी आ रही है हॉन्क मारते हुए, लग जाएगी क्या, नहीं जी मेन लाइन पे, क्या स्किप मिला भाई, खूबसूरत स्किप था। अभी अभी जस्ट वीडियो शुरू करने के पहले इस लाइन से गई थी एक और ऐसी मालगाड़ी, वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो शुरू नहीं किया था, अभी आपसे बात ही कर रहा था, देखिए एक और गई और जाती हैं तो और दिखाता हूँ आपको, तब तक इसकी व्यवस्था बनाते हैं। अब देखिए अपने पास खाने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ ऑप्शंस में। एक गुलाब जामुन भी मिला था हमको, वो भी बैग में रखा हुआ है, अभी याद आया तो मैं निकाल के आपको दिखाया नहीं, अब गुलाब जामुन क्या दिखाना, बढ़िया सा पैकेट में मिला है, मैं दिखा दूँगा आपको, अच्छा देख लीजिएगा। एक उसके बाद ये मिला था हमको, कचौड़ी वचौड़ी सब बता चुका हूँ, गुलाब जामुन खाने के लिए ये मिला हुआ है, दूसरा अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं सोचा अपना अनाउंसमेंट होता है, उसके अलावा ये मिला हुआ है, ये तो दिखाई दिया मैंने डेयरी मिल्क, और ये मिला हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सबसे पहले खाऊं, तो मैं सोच रहा हूं सबसे पहले इसको खाया जाए, इसको खाने के बाद इसको पिया जाएगा, इसको पीने के बाद हम अपना ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, और गुलाब जामुन सबसे लास्ट में, नहीं तो गुलाब जामुन खाने के बाद टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, शुरुआत तो करें क्योंकि शुरुआत ही नहीं होगा
तो फिर ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। अरे वाह मस्त है भाई, ये जब मिला था ना तो पिघल गया था श्री सीताराम, लेकिन इसको मैंने बैग में रख दिया तो ये बढ़िया टाइट हो गया। डेयरी मिल्क के साथ तो यही झमेला होता है कि गर्मी में अगर आप इसको रखोगे तो ये पूरा पिघल जाता है, लेकिन अभी अभी सही है ये। 22:57 हो गए हैं, 23:40 के आसपास हमारी गाड़ी आएगी। मैं चाहता नहीं हूँ जनरल में सफ़र करना, लेकिन क्या बोल सकते हैं, मजबूरी है भाई, करना ही पड़ेगा। मैं झांसी में उतर गया होता ना तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होती। आप लास्ट वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा डिसीज़न लेने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, इनॉग्रेशन वाली बहुत अच्छी वीडियो बनी है, सीखने को आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वही उसमें दिक्कत आपको पता चलेगा क्या दिक्कत हुई थी, उसके कारण उसको पैसे भी लग रहे हैं, प्लस परेशानी भी हो रही है, प्लस पूरा रात भी जागना पड़ रहा है। तो वो आप लास्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें नहीं समझ में आ पाएगा और मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि लंबी बात है। इसको पिया जाए। अरे यार ये किस टाइप का लग रहा है यार, कोकोनट वाटर है, रियल फ्रूट पावर कोकोनट वाटर। मैं सोचा कि थोड़ा स्वादिष्ट टाइप का लगेगा, तो ये तो अब कोकोनट वाटर कैसा लगेगा सही में यार, नारियल ही पानी है ना ये तो, कोकोनट मतलब नारियल। मैं सोचा कुछ मीठा मीठा टाइप का होगा, लेकिन तो नारियल जैसा लग रहा है, बिल्कुल नारियल ही है। बहुत ज़्यादा खट्टा टाइप का लग रहा है, मतलब जैसा टेस्ट उसका रहता है वैसा, क्योंकि अभी अभी मैंने मीठा खाया, अभी ये खा रहा हूँ। ये जो कोकोनट वाटर था ना, इसको मैं थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ क्योंकि बहुत मेरे को सही स्वाद नहीं आ रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा खाने में। देखिए गुलाब जामुन जो हमको मिला था उस जर्नी में, ये था बढ़िया सा पैकेट मिला था, ये वाला डिब्बा मिला हुआ था, और ये चम्मच भी अच्छी क्वालिटी वाली है भाई। अच्छा क्वालिटी की बात से अगर मैं बताऊँ तो वंदे भारत में जो मुझको ये मिला था ना, इसका जो ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जो ये पाइप है, स्ट्रॉ है, ये बिल्कुल क्वालिटी का नहीं है। ऐसे पीने में इसका पाइप पूरा तिरछा विरछा हो गया, वो अंदर भी डाल रहा था ना तो भी सही से जा नहीं रहा था, पाइप ही मुड़ गया था। तो अब गुलाब जामुन खाते हैं, गुलाब जामुन के बाद अपने को मिलेगा अपना ड्राई फ्रूट। कितना सुंदर दिख रहा है भाई, मस्त है यार, देखिए आपको दिख पा रहा होगा बहुत मुलायम है ये, बहुत ज़्यादा मुलायम है, ऐसे सिर्फ छूने से ही समझ में आ रहा है, और टेस्टी तो होगा ही। आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, मेरी इनॉग्रेशन जर्नी मैंने बनाया वंदे भारत की, बहुत मस्त बनाया वो वीडियो मैंने, उसी में ये सब मिला है भाई। आप पूरी वीडियो देखोगे आपको मज़ा आएगा। इसके बीच में क्या भरा है, कुछ भरा गया है इसके बीच में, देखिए अगर दिख पा रहा हो आपको तो, गुलाब जामुन के बीच में पीला पीला कुछ भरा हुआ है भाई, अलग टेस्ट आ रहा है, देख रहे हैं ना आपको। ऐसा घर में बनाती है मम्मी तो ऐसा बीच में कुछ भरा नहीं रहता है, पता नहीं क्या चीज़ की स्टफिंग है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। वाह कितना ज़्यादा टेस्टी है। मैं डिनर नहीं कर पाया, मुझको अफसोस है उस वंदे भारत में, क्योंकि यहीं पर उतरना पड़ा और डिनर अनफॉर्चुनेटली यहीं से चढ़ा है गाड़ी में। अगर मैं एक स्टेशन आगे भी उतरता तो मुझको डिनर खाने मिल जाता उस गाड़ी में, लेकिन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो पहले मिला है वही खा रहे हैं। अभी जो होंगे आपको सुनने में तो ग्वालियर से जा रही है भोपाल शायद, नहीं नहीं पता नहीं, जाने दीजिए, अपने को तो भोपाल ही जाना है। अभी जो डिब्बा है ना, इस डिब्बे को हम लोग बंद करेंगे और इसको फेंकेंगे नहीं, इसको घर ले जाएंगे, घर ले जाके इसको मम्मी को देंगे, मम्मी देख के खुश हो जाएंगे। हम लोग गरीब लोग हैं यार, छोटी छोटी बातों में ना बड़ी बड़ी खुशियाँ हम लोग ढूंढते हैं। अब बारी है इसकी, इसको खाया जाएगा। ड्राई फ्रूट्स तो अच्छा ही लगेगा जाहिर सी बात है। वाह इसमें थोड़ा सा नमक टाइप का लग रहा है ये, मतलब ऊपर से है तो ये काजू, लेकिन ऊपर से इसमें नमक छिड़का गया है तो टेस्ट थोड़ा सही आ रहा है। इसको खाते कैसे देखो, और इस दांत से अगर काटूंगा ना तो और मज़ा आएगा, नमक है तो अच्छा लगा। देखो इस दांत से काटो,
20806 न्यू दिल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये गाड़ी हमारे भारत की राजधानी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम सिटी से जोड़ती है। ये गाड़ी हफ्ते के सातों दिन चलती है। इस गाड़ी का न्यू दिल्ली में टाइम है 20 बजे और अपने 32 घंटे 10 मिनट के लगातार रन के बाद हमको पहुँचाती है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 4:10 पे। राजधानी है भाई, इस गाड़ी में भी हम टिकट्स देख रहे थे लेकिन अवेलेबल ही थी नहीं। और ये पूरी पूरी की पूरी थर्ड एसी है। KSR बेंगलुरु से हजरत निजामुद्दीन। अब ये बेंगलोर से आ रही है? नहीं नहीं, बेंगलोर जा रही है जी, निजामुद्दीन से आ रही है। ये जाएगी भोपाल भी, लेकिन क्या करें, झांसी भी जाएगी। हम इसमें चढ़ ही नहीं सकते क्योंकि टिकट्स ही मिली नहीं हमको। क्या बात है, आप पूरा अराइवल देखे ना, सब थर्ड एसी है टोटल। इस गाड़ी में भी मैं करंट देख रहा था लेकिन करंट में इसमें भी खाली नहीं थी। मैं बहुत सारी टिकट्स देखा यहाँ से भोपाल तक जाने के लिए लेकिन किसी गाड़ी में अवेलेबल था नहीं, ना करंट में ना ही जनरल, तो खैर मिल ही नहीं सकता। राजधानी का अगर आप देखेंगे बोर्ड तो अलग ही है यार, अलग ही बोर्ड है इसका। राजधानी की मैक्सिमम स्पीड जाती है 100 किलोमीटर पर आवर, और ये वही आगरा तुगलकाबाद सेक्शन पे जाता होगा जहाँ तक मुझको लगता है। सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है गतिमान एक्सप्रेस, 160 किलोमीटर पर आवर, आगरा से तुगलकाबाद के बीच स्पीड लेती है 160 पर आवर की। उसके बाद वंदे भारत, उसका भी 160 है आगरा से तुगलकाबाद के बीच में। उसके बाद आता है 150 से 155 किलोमीटर पर आवर हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। ये भी गाड़ी भाई नंबर 3 पे रैंक कर रही है, 3 या 4 पे बोल सकते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी भी, राजधानी की प्रीमियम गाड़ियों में से एक है दोस्त। राजधानी की बात ही अलग है यार। ओह, सिगरेट पी रहे हैं भाई साहब राजधानी में खड़े होके, कमाल कर रहे यार। सही है, ऐसा एकदम सामने गेट के सामने सिगरेट पी रहा बंदा यार राजधानी में, आप सोचिए। और उसके बाद कैमरा देख के भी हिला तक नहीं वो बंदा। प्रीमियम गाड़ी है, मैं इसलिए ही बोला, देखिए आप, मुझको लगता है 2 या 3 मिनट ही गाड़ी रुकी है यहाँ पे और चल दी है। स्टॉपेजेस भी कम रहते हैं और स्पीड भी अच्छी रहती है। भीड़ भी अगर आप मैं दिखाऊँ तो कुछ कोई चढ़ा ही नहीं, ऐसा समझ ही में नहीं आया, ना ही कोई उतरा ग्वालियर से हमारे, मतलब इतने सेक्शन में तो कोई दिखा ही नहीं, अराइवल में भी आप देखें। उसलिए ये गाड़ी भाई बहुत फास्ट जाती है। ये सब प्रीमियम गाड़ियाँ हैं, ये लोग को मतलब वो भी क्या बोलते दिया जाता है पास भी। ये पेंट्री कार निकल गया, पास भी अच्छा करते हैं, ये नया कोच है A1। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है इन सब गाड़ियों को भाई, 3-4 गाड़ियाँ जो है, गतिमान हो गई, राजधानी हो गई, शताब्दी को भी बोल सकते हैं, लेकिन अब तो भाई वंदे भारत है जो रिप्लेस करेगी हमारी शताब्दी को। A5 कुछ कुछ नए कोचेस लगे हैं जो ये जनरेटर कार A1 वाले हैं ना, जो वो नए कोचेस हैं। वो बंदा बंदा सिगरेट पी रहा है यार, मैंने कैमरा दिखाया उसके बाद ही वो हिला तक नहीं, दिलेरी से उसने हाथ में फंसाया हुआ है और वैसे ही खड़ा था। ऐसा नहीं कि कहीं फेंके वेके अंदर अंदर हो, वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बात कर रहे थे AP एक्सप्रेस की, तो AP एक्सप्रेस देखिए अपने 32 घंटे 10 मिनट के लगातार रन के बाद नई दिल्ली से पहुँचती है विशाखापट्टनम। अब क्योंकि 32 घंटा लेती है तो जाहिर सी बात है अपने पहले दिन से लेकर तीसरे दिन में पहुँचती है विशाखापट्टनम में। इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जनरल, जिसमें आज हम जाने वाले हैं यार, थोड़ा सा खाली मिल जाए तो सही रहेगा। 21 हॉल्ट के साथ 6 स्टेट्स को कवर करते हुए हमारी राजधानी दिल्ली से विशाखापट्टनम में हमको पहुंचाएगी ये गाड़ी। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं मैंने पहले भी बताया हूँ आपको, पूरी जर्नी तो कवर किया हूँ लेकिन फिर भी आज ही बताएंगे, चिंता मत करो। टाइम देखिए 11:29 हो चुके हैं। अब क्योंकि इस गाड़ी के स्टॉपेजेस कम हैं तो ये गाड़ी उतनी ज़्यादा डिले होती नहीं है। 11:45 के आसपास टाइम है, 11:45 पे गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। जिन 6 स्टेट से ये गाड़ी गुजरती है मैं आपको बताता हूँ। नई दिल्ली से चलती है जो कि हमारी राजधानी है। नई दिल्ली के बाद हम एंट्री लेते हैं यूपी
में, यूपी के बाद एमपी में, एमपी का पूरा नाम बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश में, पूरे पूरे छः हुए ना जी। देखिए इसी ऐप में मैं देखता हूँ वेयर इज़ माई ट्रेन में, और इसमें आपको दिखा रहा है ग्वालियर का टाइम है 11:43 PM, 11:43 पे, लेकिन थोड़ा सा डिले है, 11:47 पे आएगी ग्वालियर में। अभी ये गाड़ी है नुरादाबाद के पास, बहुत जल्दी आने वाली है, अभी 11:30 के आसपास हो रहे हैं, हम जाते हैं आगे क्योंकि केवल 5 मिनट का है यहाँ पे, नहीं 5 नहीं भाई, 2 ही मिनट का है हॉल्ट। देखिए 11:43 पे आती है, 11:45 पे खोल देता है यहाँ से, और रात में जैसे कई गाड़ियों के स्टॉपेज जैसे 5 मिनट के भी रहते हैं ना, तो वहाँ कई बार ये लोग 4 मिनट और 3 मिनट रोक के भी निकाल देते हैं, क्योंकि रात को रश कम रहता है, तो 2 मिनट का है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट रुकनी, हो सकता है 1 मिनट में भी निकाल दे, तो अपने को बिल्कुल आगे खड़े रहना पड़ेगा। तो अब आगे जाते हैं, पता करते हैं, आई थिंक इसी तरफ चलना पड़ेगा आगे, कहाँ लगेगा इसका जनरल, क्योंकि 2 ही जनरल आजकल लग रहे हैं, उसीलिए तो ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही है ना यार। ये हमको हमारा छोटे एक भाई मिले हैं, बहुत दूर से इनने देखे, लग रही तकरीबन 200 मीटर दूर देखे, मैं वीडियो शूट कर रहा था तो दौड़ के आए, भैया आप यूट्यूबर हो, मिलने के लिए मुझसे, क्या नाम है आपका? शहबाज। हाँ, कुछ बोलना चाहते हो? यही तो, मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब किया है, अब मैं पहली बार ये यूट्यूबर से मिला हूँ, कभी यूट्यूबर से मिला ही नहीं। तो कैसा लगा मिलके? मेरे को बहुत अच्छा लगा। महुआ के हो ना आप? हाँ जी, महुआ के। चलो ठीक है, मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। देखिए एपी एक्सप्रेस सामने से आ रही है, और हम लोग दूसरे साइड चले गए थे, एक्चुअली मैं दूसरे साइड चला गया था कि जनरल वहाँ मिलेगा हमको, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं जनरल। अभी भीड़ देखिए आप, ज़्यादा भीड़ नहीं है मुझको लगता है एपी एक्सप्रेस के लिए अब, लेकिन आगे शायद मिलेगा उस सेक्शन में। अब मैं दूसरे साइड जा रहा हूँ, क्योंकि आगे देखा जनरल दिख नहीं रहा था, पीछे शायद लगा इस गाड़ी में जनरल। S1, हाँ जी S1, S2 आगे ही में लगा होगा, S3, S4 पीछे जनरल लगाता है, मतलब एपी एक्सप्रेस में 11:45 के आसपास अराइवल हो चुका है, मतलब डिले नहीं है, ठीक ही है टाइम से अपनी। जो नॉर्मल टिकट्स रहती है ना, जैसे स्लीपर का या फिर एसी का, उसमें भी कम भीड़ है आप देखिए ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स खड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े नहीं हैं। थोड़ा सा दौड़ लगाना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ी का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। B6 ऐसे दौड़ो, जनरल में जर्नी करना मुझको पसंद नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, तो मजबूरी का नाम भोपाल, मजबूरी में अपने को जाना है भोपाल में। दौड़ते दौड़ते हम आ चुके हैं A1 कोच तक। बताइए कभी इस गाड़ी में हमने 3rd AC में सफ़र किए थे, और आज मजबूरी क्या आई है भाई। जैसे तैसे हम लोग यहाँ चढ़ तो गए हैं, अब दिक्कत ये हुई चढ़ने में कि सिर्फ जनरल का एक ही बोगी दिया गया है, एक ही कोच है, उसलिए भीड़ ज़्यादा है। हम खड़े हैं अभी टॉयलेट के पास, चश्मा हिल गया था यार, सब डिजाइन विजाइन सब हाथ हाथ का लगा दिए इसके अंदर। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, देखिए पूरी खचाखच बन रही है भाई। अब हम ऐसे ही खड़े हो के जाने वाले हैं, यहाँ भी कुछ सामान लोग लेके बैठे हुए हैं, ये भाई यहीं बैठा है, ये देखिए यहाँ पे टॉयलेट है एक, इस तरफ टॉयलेट है दो। खुशी की बात ये है कि आप कम से कम टॉयलेट भरा हुआ रहे, तो कई गाड़ियों में टॉयलेट भी आप नहीं कर सकते, टॉयलेट का तो खाली है यार। देखते हैं अंदर जाने का मौका मिलता है तो अंदर ही, आप टॉयलेट के पास खड़े रहेंगे ना तो हर कोई घंटी बजाता रहेगा। ये देखिए एक अंकल जी आ गए, आपको भी टॉयलेट जाना भाई, नाम चैनल है भाई, आई रोहित। अरे सर चलिए जी, फाइनली अपने को एक सीट मिल गई है ऊपर में, गेट के पास खड़े रहने में रिस्क था, टॉयलेट था, जो कोई भी आ रहा था बार बार घंटी बजा रहा था, तो अभी हमको एक सीट ऊपर मिल गई है। यहाँ पे हम आए तो एक तरफ में ये 4 भैया जी लोग लेटे हुए हैं, सॉरी बैठे हुए हैं, इस तरफ भी एक भैया बैठे हैं, एक ये बैठे बैठे हैं, मैं बैठा हूँ और एक भाई बैठे हैं।
देखिए, अगर आप जनरल में सफ़र कर रहे हैं तो एक सीट पे जो एक सीट मिलती है उस पे पांच बंदे मिनिमम तो बैठने ही बैठना है। अगर कोई लेट के जा रहा है आप उसको उठाइए, कोई सो के नहीं जा सकता। जिसको लेट के जाना है वो स्लीपर में बैठ के जाएगा या फिर एसी में बैठ के जाएगा। तो ये झमेला है, अब जो भाई बोलता है उसको मिलेगा, जो नहीं बोलेगा तो फिर उसके साथ झमेला ही रहता है, लड़ाई हो जाती भाई, भूसा भूसा चल जाता है। ये जनरल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो, अपने को तो चलना है भोपाल तक, ज़्यादा अपने को दिक्कत होगी नहीं। अब बैठे रहेंगे, खाना पीने का संभावना अब है नहीं, जो कुछ खाना पीना तो सब कुछ खा लिए। अब यहाँ से स्टेशन भी दिखाना लगभग नामुमकिन ही है। जो वो वाला रो अगर आप देखेंगे ना तो उस पर पूरा सामान रखा हुआ है, लेकिन फिर भी खाली गाड़ी है भाई। जनरल जितनी पैक रहती है उतनी पैक है नहीं। इस पर भी अगर आप जनरल में देखेंगे ना तो कई लोग सो जाते हैं, लेकिन गनीमत है लोग सोए हुए नहीं हैं। और कुछ बंदे ऐसे नीचे बैठे हुए हैं बिल्कुल जैसे घर में बैठते हैं। फिर भी खाली खाली है, और खाली होती ये गाड़ी अगर जनरल के दो कोच दिया होता तो। इतनी भीड़ है क्योंकि जनरल का सिर्फ एक कोच दिया है, और भीड़ इसलिए भी है क्योंकि कल भोपाल में कई लोगों का ना एग्ज़ाम है, कई लड़कों का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। बहुत जल्दी जल्दी दौड़ के आगे चढ़े, चलिए सीट मिले, 4 बजे तक आराम से बैठे रहेंगे। क्या बोलूँ आपको, गुड नाइट बोलो, क्या बोलूँ, उसको चश्मे को भी साफ़ करना है क्योंकि भाई पूरा इसमें निशान बन गया है, इधर उधर। जनरल के इंटीरियर में आपको बता दूँ क्या मिलता है। ये अलार्म है जो कि आप उसको खींचेंगे तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा बेवजह। बाकी आपको एक हैंगर इस तरफ भी मिलता है, एक लाइट, क्योंकि LHB कोच है तो थोड़ा स्थिति ठीक है। एक लाइट यहाँ पे, फ़ैन एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा फ़ैन ये है। एक लाइट आपको आगे भी देखने मिलती है। जनरल में ये चीज़ आम है कि आप चप्पल जूते ऊपर रख सकते हैं। मैंने भी अपना चप्पल यहाँ पे ऊपर रख दिया। हाँ, ये भैया, हाँ ये भैया बोल रहे थे कि आपकी चप्पल एडिडास के क्या, जो आप ऊपर रख रहे थे जूते चप्पल ऐसे ही रखे रहेंगे। अच्छा, सुधरते हैं क्या, इंसान सुधरेगा ना। हाँ, तब तो देश सुधरेगा, इंसान को सुधरना है नहीं। सही बात, आप जैसे लोग ही जब लोग जो दुनिया को मतलब एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज बताते हैं, जब आप ही जैसे लोग ऐसा करेंगे तो दुनिया के दूसरे लोग तो आपको देखे करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो ये चीज तो काटना मत, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अगर काटना होता तो हम दिखाते ही नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल आएगा ये चीज। तो भैया बोल रहे थे कि चप्पल आपके एडिडास की है क्या, मैंने बोला नहीं, 150 रुपये की है, आप हमको 150 दे दो, हम बाइज्जत इस चप्पल को नीचे रख देंगे। तो लेकिन भैया ने नहीं, आपने आपकी स्लीपर में मिट्टी हो किसी आपसे बड़े पर्सन, नहीं वो समझता हूँ ये चीज़। हाँ, उनके ऊपर मिट्टी गिर जाए आपको तोहफा देगा ये चीज़? ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ ये चीज़ गलत है। बाथरूम से उसके बाद चप्पल ऊपर रख रहा है, ये चीज़ अच्छी है? नहीं तो हम तो टॉयलेट से नहीं आए ना। नहीं आए तो करे ही नहीं, गए ही नहीं आए। नहीं नहीं तो 24 घंटे हम कब तक गए थे, आपको पता है हम कहाँ से आ रहे हैं? स्लीपर उतार के जाते हो क्या? नहीं नहीं, स्लीपर उतार के नहीं जाते, आपको भी पता है हम कहाँ से आ रहे हैं? आप तीर्थ यात्रा से आए होंगे, कहीं से भी आए हो, XYZ, बट स्लीपर ऊपर रखना या कचरा ऊपर किसी के गिरने, ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत है। लेकिन ये चीज़ मैं केवल आपके लिए फोकस करके नहीं बोल रहा, नहीं नहीं नहीं, ये सबके लिए होनी चाहिए। हाँ, और ये कोई जूता स्टैंड नहीं है ये फैन के ऊपर, वो लोगों ने बना के रखा है, लोगों ने बना के रखा। वो तो कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे ना, जो भी मतलब सफर कर रहा है, कोई किसी की हैबिट होगी इधर करना, कोई मजबूरी में कर रहा होगा, बिल्कुल किसी का सडनली प्लान बन गया तो इसलिए वो सफर करता है इधर उधर में, लेकिन सबके साथ क्या करें। हाँ, तो मैं भी देखता रहता हूँ कभी। तो मैं भी अपनी बात पूरी कंप्लीट करूँ, तो लेकिन भैया ने हमको 150 नहीं दिए, तो ये चप्पल उसलिए ऊपर ही रखी हुई है। अरे सब रखते हैं भैया, कोई 300 वाला है, कोई 250 की सेल वाला है। हाँ सही है, लेकिन आप अभी देखो ये यहाँ पे ऐसा मत समझना कि ढूसा ढूसी हो रही है, यहाँ बातूनी तीर चल रहे हैं सिर्फ। बातूनी तीर नहीं, मेरा जो एक संदेश है ना, हाँ वो तो एकदम परफेक्ट है। नहीं तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन भैया क्या है, एक आदमी को सुधरने से ना पूरी दुनिया नहीं सुधरेगी, लेकिन ये है कि एक आदमी को सुधरने से कुछ लोग तो सुधरेंगे, ये बात है। हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, ये चीज़ ऐसे रखना गलत है, आप ऐसे मत रखिएगा, लेकिन मैं तो रखा हूँ। और एक हैंगर उस तरफ भी दिया गया, मतलब 3 हैंगर दिए गए हैं, 1, 2, 3, तो उसमें 2 बैग्स टांगे हुए हैं ऐसे ही, उस कंपार्टमेंट में भी है वैसे ही हैंगर, उसके दूसरे साइड भी आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपको इसमें मिलेगा। देखिए 3 बैग्स इसमें भी टांगे हुए हैं, बाकी ठीक है। LHB है तो राहत है, ICF कोच होता ना तो बहुत मुश्किल होता है इसमें बैठना, क्योंकि सिर्फ एक ही जनरल का बोगी है, बोगी नहीं कोच है, गलत बोल रहा हूँ। ग्वालियर से भोपाल का डिस्टेंस है 389 किलोमीटर, और यहाँ से हमारी गाड़ी खुली है 11:45 पे। इसके बाद आएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई 1:10 पे सुबह में, वीरांगना लक्ष्मीबाई के बाद अगला स्टॉपेज डायरेक्ट आएगा भोपाल। तो केवल 2 ही स्टॉप हैं, 2 दूसरे पे तो हम उतर ही जाएंगे। ग्वालियर के बाद वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी बोलते हैं, पुराना नाम था, और दूसरा आएगा भोपाल, जहाँ
पे हम लोग उतर जाएंगे। हाँ ये देखिए, जनरल में आपको कुछ ऐसे नमूने भी देखने मिलते हैं कि बैठ के अंकल जी यहीं पे अपना सिगरेट फूकने लगे, सिगरेट तो नहीं बीड़ी फूक रहे हैं। पास वाले हालांकि बोल रहे हैं कि जाओ भैया बाथरूम में चले जाओ, लेकिन बैठे हुए हैं दादा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आप फोर्स करेंगे ना तो जाएगा, सिंगल बोलने से थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस बात बोलो भैया उठ उठ के जाओ, बढ़िया धोंक रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं अभी, चल रही है बीड़ी। तो 4 बजे तक भाई इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे, भोपाल का टाइम है 4:30 बजे, अभी थोड़ा सा डिले है तो 4:36 दिखा रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। इसके अलावा अब दूसरा एंगल तो बदलेगा नहीं। अब देखो मैं आपसे कब बात करता हूँ कुछ फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कुछ अलग रहेगा तो बताया जाएगा। भले आपको लगा होगा 1 सेकंड में आ गया भोपाल, लेकिन 1 सेकंड में नहीं आया है। लोग बढ़िया बैठे भी रहे, कभी थोड़ा बहुत झपकी भी मारे हैं, और अब आया है जाके भोपाल। ये वाली सीट जो आपको भारी भारी दिख रही थी, देखिए सिर्फ एक बंदा बैठा है। हम लोग की सीट भी जो भारी भारी दिख रही थी, अभी ये भाई भी उतर जाएगा, मैं भी उतर जाऊँगा, और फिर से ये भैया थोड़ा सोते हुए जाएंगे, पता नहीं कहाँ तक जा पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई चढ़ जाएगा। नीचे में 5 बंदे बैठे हुए हैं भाई, ये अभी तो 4 हो गए। इस तरफ अगर दिखाऊँ तो 1, 2, 3, 4 बंदे, 5 नहीं 4 बैठे हुए, 5 बैठे थे। अभी थोड़ी सी गाड़ी अब खाली होगी, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा। ये देखिए पैंट और मेरी अंडरवियर दिख रही है आपको। बात ऐसी है कि जो जिस एंगल में बैठ गया ना वैसे ही बैठ रहता, लोअर पहना हूँ लोअर नीचे खिसक गया, अंडरवियर दिख रही है। अब उतरूँगा तो थोड़ा सेटिंग वेटिंग करूँगा मैं। अपने टाइम से मुश्किल से 1, 2 या 3 मिनट डिले ही हम पहुँच गए हैं भोपाल में। ये गाड़ी वैसे ही मैंने इसकी पूरी फुल जर्नी कवर किया हूँ, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, मस्त तो है ही। एक बार फिर से इसने साबित कर दी कि ये गाड़ी मस्त है। मतलब इसके पहले जब जहाँ से मैं चढ़ा था ग्वालियर से, उसके बाद जो झांसी आया था वीरांगना लक्ष्मी बाई, वहाँ पे बिफोर पहुँचा दिया था 15 मिनट बिफोर। उसके बाद जो ये जहाँ भी हम उतरे हैं भोपाल में, यहाँ पे दिखा रहा था डिले आधा घंटा, मतलब 4:30 का टाइम है, 5 बजे दिखा रहा था, लेकिन कवर किया उसने, कवर करके फिर से हमको 4:31-32 के आसपास पहुँचा दिया। ये देखिए गाड़ी अब भी लगी है और ये टंकी भरा गया है, ओवरफ्लो हो गया। अब मैं इसमें आपको कुछ बोल नहीं सकता कि आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट जर्नी थी और मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं जनरल में आखिर क्या वीडियो बनाऊँ। रात भर क्या थोड़ा सा जागे, थोड़ा बहुत हल्का सा सोए, सीट मिल गई भगवान की कृपा से, तो बैठे रहे अच्छे से, आराम से बैठ गए, जर्नी मस्त हो गई। और रात की जर्नी थी, उतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं, केवल एक जनरल बोगी है, उसी चक्कर में थोड़ा सा हल्का सा भीड़ था, ज़्यादा नहीं था। और अभी टोटली खाली हो गया वो कोच, अब पता नहीं कब भरे या कब नहीं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, श्री सीताराम। मिलो, सुबह का टाइम है, गले लगो क्या, लग ही जाओ यार, हर वीडियो में जब लग जाते तो इसमें क्यों नहीं लगोगे। पाँच मिनट का था मुझको लगता है यहाँ पे हॉल्ट, और 5 मिनट के बाद वो होने लगा इसका डिपार्चर। उतना ज़्यादा रश इसमें रहता नहीं है क्योंकि स्टॉपेजेस भी कम है इसका। इतनी सुबह सुबह ये लोग खाना भी बनाने लगे हैं अंदर। सॉरी oh,
A4 का देखिए नया कोच है, और भी कई नए कोचेस थे, मैंने आपको दिखाया ही था। H1 भी टोटली नया है। कमलापति से रीवा, रीवांचल एक्सप्रेस। मतलब ये हालांकि रीवा से आ रही है, जा रही है रानी कमलापति। के बाद एक मालगाड़ी निकल रही है भाई यहाँ से, क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है देखने में। सनराइज अभी अभी होगा, हल्का सा आपको रेड रेड दिख रहा होगा वहाँ सामने।
तक आवाज आ रही ट्रैक्स, गाड़ी कितनी आगे चलेगी फिर भी। दिल्ली के एस आर बेंगलुरु MC क्या है ये कर्नाटका एक्सप्रेस, पूरा अराइवल मैंने आपको दिखा दिया, मैं नाम ही पढ़ नहीं पाया निकल गया था। क्या बात है, सामने जा रही है भोपाल, भोपाल से खजुराहो। छः 34 हो रहे हैं अभी सुबह के। बिलासपुर गेव रोड अमृतसर, इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं। देखिए अभी मैं आपको अराइवल ही दिखा रहा हूं, जब से 6:38 हो गए। Yeah.
लोकल आ रही है जी।